नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? ओके, आज हमारा हिंदी क्लास है, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे हिंदी में? व्यंजन। हमने व्यंजन पढ़े थे पिछली बार। कौन से व्यंजन पढ़े थे हमने? पढ़ेंगे एक बार फिर से, ठीक है। ओके, क्या है देखो। क, पढ़ो मेरे साथ। ख, ग, घ, अंगे, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है। च, छ, ज, झ, त्र, ठीक है। तो हमने ये सारे व्यंजन पढ़े थे। अब हम इसके आगे के व्यंजन पढ़ेंगे, ठीक है। कौन से? ट, ठ, ड, ढ, ण, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ट, ठ, ड, ढ और ण, ठीक है। देखो बच्चों, ये क्या है, कौन सा अक्षर है ये? ट। कौन सा अक्षर है? ट। ट से होता है टमाटर। ट से होता है टमाटर, ठीक है। यस, और क्या होता है ट से? ट से होती है टोकरी। ट से टोकरी। अगला अक्षर, अगला अक्षर क्या है देखो? थ। कौन सा अक्षर है ये? थ। थ से होता है ठेला। सब्जियां रखते हैं ना इस पे, सब्जी और फल रख के बेचा जाता है, ठेला। थ से ठेला। थ से ठप्पा। थ से ठप्पा, आपने देखा होगा स्कूल में, है ना। थ से होता है ठप्पा। अगला अक्षर है ड। अगला अक्षर है ड। ड से होता है डमरू। ड से होता है डमरू, ठीक है। फिर से ड। ड से होता है डंडा। ड से होता है डंडा। यस, देखो अगला अक्षर है ढ। कौन सा अक्षर है बच्चों? ढ। ढ से ढक्कन। ढ से ढक्कन। ढ से ढक्कन। और होता है ढ से ढोल। ढ से होता है ढोल। शादियों में बजता है ना ढोल, हाँ। ढ से ढोल। अब देखो ये क्या है बच्चों? अणा। अण से होता है बाण। अण से होता है बाण। अण से होता है चरण। चरण। और अण से होता है प्रणाम। प्रणाम। देखो बाण, चरण, प्रणाम, है ना बच्चों? समझ में आया आपको? एक बार हम फिर से इसको रिवाइज करेंगे, आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है। बोलो मेरे साथ। ट से टमाटर। ट से टमाटर। ट से टोकरी। ट से टोकरी। ठ से ठेला। ठ से ठेला। ठ से ठप्पा। ठ से ठप्पा। ड से डमरू। ड से डमरू। ड से डंडा। ड से डंडा। ढ से ढक्कन। ढ से ढक्कन। ढ से ढोल। ढ से ढोल। अण, सॉरी, अण से बाण। अण से चरण। अण से प्रणाम, ठीक है बच्चों? समझ में आया आपको? वेरी गुड। ओके, अब हम पढ़ेंगे फलों के नाम, बराबर। हमने फ्रूट्स नेम पढ़े ना इंग्लिश में, अब हम हिंदी में पढ़ेंगे फलों के नाम, ठीक है बच्चों? ओके, देखो क्या है ये? एप्पल, राइट। उसी को क्या कहते हैं?
सेब। एप्पल को क्या कहते हैं? सेब। बोलो सेब। अब ये क्या है? मैंगो। मैंगो को क्या कहते हैं हिंदी में? आम। क्या कहते हैं? आम। नेक्स्ट देखो क्या है? पपाया। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? पपीता। क्या कहते हैं? पपीता। हम क्या पढ़ रहे हैं? फलों के नाम पढ़ रहे हैं, बराबर। ये कौन सा फल है बच्चों? ऑरेंज। कौन सा फल है? ऑरेंज। यस। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संतरा। क्या कहते हैं? संतरा। यस। अब देखो ये कौन सा फल है? स्ट्रॉबेरी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्ट्रॉबेरी। इसको हिंदी में भी स्ट्रॉबेरी कहते हैं। ये कौन सा फल है? वाटरमेलन। राइट। हिंदी में क्या कहते हैं? तरबूज। क्या कहते हैं? तरबूज। ये कौन सा फल है? पाइनएप्पल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अनानास। क्या कहते हैं? अनानास। ये देखो क्या है? पोमेग्रेनेट। क्या है? पोमेग्रेनेट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अनार। क्या कहते हैं? अनार। क्या है? ग्रेप्स। ग्रेप्स को हिंदी में कहते हैं अंगूर। क्या कहते हैं? अंगूर। बनाना। बनाना को क्या कहते हैं? आपको तो पता है। केला। बनाना को क्या कहते हैं? केला। ये क्या है? मस्क मेलन। क्या है? मस्क मेलन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? खरबूजा। क्या कहते हैं? खरबूजा। ठीक है, अब हम इसको फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है, हिंदी में, सिर्फ हिंदी में, ठीक है। सेब, पिक्चर देखेंगे और बोलेंगे मेरे साथ। सेब, आम, पपीता, संतरा, स्ट्रॉबेरी, तरबूज, अनानास, अनार, अंगूर, केला, खरबूजा। खरबूजा। तो क्या पढ़े हमने? फलों के नाम हिंदी में, बराबर।